प्रिंट करके हमें आउटपुट दे देती है। इसी तरह कोई दूसरी मशीन का इनपुट लेते हैं, जैसे ये एसी रखा है आपके पीछे, ये भी एक मशीन है, इसका इनपुट क्या है कौन बताएगा? इसी कमरे में मौजूद गर्म हवा, ये पीछे से इनपुट ले रहा होता है, ठीक है, और उसको ठंडा करके आपको वापस दे रहा होता है, ये उसका आउटपुट है। और प्रोसेसिंग क्या है उसकी, उसको ठंडा करने का जो भी प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक तरह की मशीन ही है, ठीक है, या यूँ कह लें कि मशीन में इंस्टॉल हुआ हुआ सॉफ्टवेयर है, मशीन को इस्तेमाल करने का इंटरफेस है। तो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है और उसको वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर हो सकता है। कैलकुलेटर को आप क्या देते हैं, नंबर इनपुट देते हैं और आप जैसे ही बटन प्रेस करते हैं उसका आउटपुट आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से फेसबुक भी एक सॉफ्टवेयर है। फेसबुक में आप क्या करते हैं, आप कुछ टाइप करके पोस्ट का बटन दबाते हैं, ये इनपुट था आपका, और वो पोस्ट हो जाता है सब जगह, जो जो आपके फ्रेंड्स हैं सबको दिख जाता है, ये उसका आउटपुट है। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप का इनपुट क्या है, जो मैसेज हम लिखते हैं वो उसका इनपुट है, और उसको वो भेज देता है जिस बंदे को, वहाँ पे आउटपुट मिल जाता है आपको उसका, आपके साथ खुद को भी नज़र आ जाता है, आपको जिसको भेजा उसको भी नज़र आ जाता है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर सोचेंगे ना, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें ये बेसिक उसमें जो हो रहा होगा ना, वो यही हो रहा होगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा। किसी भी रैंडम सॉफ्टवेयर का नाम बताएं, कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर, हाँ, ईआरपी जो होता है। अब ईआरपी तो खैर पूरा बहुत बड़ा सिस्टम होता है उसको कहते हैं, लेकिन ईआरपी में भी आमतौर पर ये होता है कि जो आने वाले कस्टमर्स होते हैं उनका डेटा एंट्री किया जा रहा होता है और उससे रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही होती हैं आमतौर पर, ठीक है, तो वो रिपोर्ट्स उसका आउटपुट होता है। वीएलसी प्लेयर एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर है, उसको हम क्या इनपुट देते हैं, एक फाइल देते हैं, वीडियो फाइल, और वो वीडियो फाइल को वो क्या करता है, आपको डिस्प्ले करके दिखा देता है, तो वो उसका डिस्प्ले जो है वो आउटपुट है, जो हमने दिया वो इनपुट है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे ना, उसमें यही हो रहा होता है। अच्छा, तो यही वजह है कि इनपुट लेना और आउटपुट डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, इनपुट लेना और आउटपुट डिस्प्ले करवाना सीखते हैं। फिर कल से जो बाकी की बची हुई जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी, उसमें हम क्या सीखेंगे, इसको प्रोसेस करना, जो दरमियान का काम है, इनपुट और आउटपुट लेना हम आज सीख लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो बची हुई क्लास है जावास्क्रिप्ट की, उसमें हम इस इनपुट को प्रोसेस करना सीखेंगे कि किस 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 मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रोसेस किया जा सकता है। अब इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि दो नंबरों को प्लस कर रहे हो आप, इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि उस जो इनपुट लिया उसको कहीं इंटरनेट पे भेजें और डेटाबेस में सेव करवा दें, ये भी हो सकता है। उस इनपुट लिए हुए नंबर के साथ ये भी हो सकता है कि उसको आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दें या उसको प्रिंट आउट कर दें आप, उस जो भी इनपुट आपने लिया डेटा, बहुत मुख्तलिफ तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ प्रोसेस जो मोस्ट कॉमन है उसको यहाँ पे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कल की क्लास में करेंगे। आज हम इनपुट और आउटपुट सीखते हैं। इसके अंदर मैंने कहा इंडेक्स डॉट html और एंटर कर दिया। अच्छा, अब ये जो मेरा इंडेक्स डॉट html है, अच्छा प्रॉम्प्ट और वो अलर्ट दोनों सीख चुके हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट समझ में आ गया ना सबको। अच्छा, प्रॉम्प्ट वैसे तो पढ़ लिया हमने यहाँ पे, लेकिन वो आमतौर पे ना रियल सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि वो उस वक्त का बना हुआ है जब जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नई नई थी, तो वो ब्लॉकिंग कोड है। अभी ब्लॉकिंग कोड क्या होता है उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको ब्लॉकिंग कोड होने की वजह से इतना ज़्यादा इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। बहुत मजबूरी में या तो इस्तेमाल करते हैं, या तो बहुत ही अगर कोई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कोई, तो उसमें वो जल्दी से हाथ से ज़्यादा हाथ सेट करने के लिए ना जल्दी से लगा लेते हैं बस, तो उसका इससे ज़्यादा यूज़ केस है नहीं है। अच्छा, तो असल में जो इनपुट एक वेबसाइट पे या एक वेब एप्लीकेशन में, असल में जो इनपुट लेने के लिए जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है इनपुट बॉक्स, ठीक है, वो है इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये हम HTML में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं वो सब आप लोगों को पता है। अच्छा, तो अब ये जैसे ही मैंने लिखा, इसको मैं चला के भी देख लेता हूँ, कॉपी पाथ मैंने किया,
और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, बटन में मैंने क्योंकि कोई नाम नहीं लिखा, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का ना मेरे स्क्रीन पे बनकर आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ तो मुझे वो मिलेगा कैसे प्रोग्रामिंग में? एक तरफ का बंद कर दो लाइट, एक तरफ की ना टॉप वाला। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा तो इनपुट मुझे कैसे मिलेगा वो बता देता हूँ कैसे मिलेगा। छोटी सी मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें मैं क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले तो बनाऊँगा वेरिएबल जिसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू को पकड़ना है। अच्छा, क्या नाम रखूँ मैं वेरिएबल का? इनपुट रख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इनपुट वैसे एक अच्छा नाम नहीं है, नाम स्पेसिफिक होना चाहिए कि उसमें वैल्यू क्या जाने वाली है। मिसाल के तौर पर बंदे की मैं एज लिख रहा हूँ, सही है, एज इनपुट, जस्ट इन केस मैं इसमें से एज इनपुट ले रहा हूँ बंदे की, तो एज इनपुट नाम होना चाहिए इसका, स्पेसिफिक होना चाहिए। नाम को देख के 19% या 50% एटलीस्ट बंदे को समझ में आ जाए कि इस वेरिएबल में क्या होगा। ठीक है, अच्छा वार नहीं, हम लेट लिखेंगे क्योंकि हम कौन सी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ES6 नई वाली, वार लिखेंगे तो भी सही चलेगा ये, लेकिन लेट जो है वो सही तरीका है। अच्छा, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट, ये काम करने से क्या होगा, ये जो पूरा एलिमेंट है ना मेरे पास, ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ये जो मैंने जो सिलेक्शन की हुई है, इतना कोड जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, वो पूरा इनपुट का एलिमेंट रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं क्या होती है, रिटर्न वैल्यू वो होती है कि जो कोड मैंने लिखा है वो हट जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, तो जो दूसरी चीज़ आएगी वो रिटर्न वैल्यू है। तो ये जो इतना कोड है इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो पूरा एलिमेंट उठ के आ जाएगा। अच्छा, आपको जैसे शुरू में भी मैंने बताया था HTML के टाइम पे कि ये HTML का कोड एज इट इज़ नहीं चलता है, ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, फिर ये एक्चुअल में जाके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो जब ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ना भी यूज़ करें टर्मिनोलॉजी। वेल, तो यहाँ पे वो पूरा मुझे जो डॉम का एलिमेंट है वो पूरा मुझे मिल जाएगा, कौन सा, इनपुट का, जो लाइन नंबर 14 में इनपुट है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा इस पर, मैं बोलूँगा डॉट वैल्यू। अच्छा, मैं डॉट वैल्यू करूँगा तो मुझे जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो मिल जाएगा। मैं डॉट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ, डॉट टाइप भी कर सकता हूँ, डॉट करके मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस इनपुट के बारे में, इस इनपुट का नाम क्या है, इस इनपुट की आईडी क्या है, बहुत सारी चीज़ें मुझे, इस इनपुट पे क्लासेस कौन कौन सी लगी हुई हैं वो सारी मुझे यहाँ पे मिल सकती है क्योंकि पूरा एलिमेंट मुझे मिल गया। तो मैंने कहा डॉट वैल्यू, अब इस एज, अब इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या हो गई, वो एक्चुअल वैल्यू हो गई जो उसके अंदर लिखी हुई है। अगर मैं ये वैल्यू हटा दूंगा तो पूरा एलिमेंट मिलेगा, और अगर मैं वैल्यू वापस लगा दूंगा तो मुझे जस्ट वो वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ये कोड हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये कोड हमेशा इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो अब कोई मसले की बात नहीं है, थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी वैसे भी लिखने की, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। ये कोड जहाँ पे भी इनपुट लेते हैं ये कोड इसी तरह लिखा जाता है। अच्छा, तो ये एज इनपुट आ गई, अब इस एज इनपुट को मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ। ठीक है, एज इनपुट और एज इनपुट, सॉरी अभी अभी हम एक एक करके करते हैं, अभी पहले ज़रा इनपुट पकड़ में आ जाए, उसको मैं कंसोल करा दूँ कि अच्छा वो मेरे वेरिएबल में पहुंच गया, फिर मैं उसको डिस्प्ले करवाऊंगा बॉडी पे। अभी तो कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ये भी एक आउटपुट है जो हम शुरू में सीख चुके थे, लेकिन कंसोल डॉट लॉग डेवलपर पर्पसेस के लिए होता है। जैसे मैं अभी राइट नाउ मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आया कि मैंने जो कोड लिखा है वो वाकई सही लिखा है, आया कि मेरे वेरिएबल में वो वाकई वैल्यू पहुँच गई है। ठीक है, मैं ये चीज़ मेक श्योर करना चाहता हूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग इस्तेमाल करूँगा, मैं उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाने की कोशिश नहीं करूँगा आमतौर पर। अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने इसको और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आया। अच्छा, एक काम मैंने गड़बड़ की है, एक काम मैंने गड़बड़ ये किया है कि ये कोड चलेगा कब, ये तो डिफाइन ही किया मैंने। अच्छा, ये कोड जैसे ही मेरा पेज लोड होगा ना वैसे ही चल जाएगा, ये कोड क्या होगा, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा वैसे ही चल जाएगा ये, तो मैंने उसको वैसे नहीं चलाना, मैंने उसको बोलना है
फंक्शन सबमिट अच्छा ये फंक्शन जो है ये आगे जाके ना बहुत डिटेल में कवर होगा, तो अभी फंक्शन को ऐसे ही देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये फंक्शन का टॉपिक पूरा आगे जाके बुक में इसका पूरा चैप्टर है, दो तीन चैप्टर है वही, वहाँ पे ये पूरा कवर होगा। अच्छा मैंने बटन पे कहा, मैंने कहा कि ऑन क्लिक, कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो ये जो सबमिट का फंक्शन है ना इसको चला दो, यानी इतना कोड जो है वो कब चलेगा, अब बटन के क्लिक पर चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो ये अभी हम इनपुट लेना सीख रहे हैं, ये ज़रा कर लें तो फिर आउटपुट की तरफ जाते हैं। अच्छा मैंने कहा 15 सबमिट, ये मेरे पास 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 15 कहाँ पहुँच चुका है, मेरे वेरिएबल में पहुँच चुका है। अच्छा मैंने कहा 22 सबमिट, 22 चला गया वेरिएबल में। अब जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ वो मेरे वेरिएबल में चला जाता है, सही है, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा एक काम अब करता हूँ, मैं एक इनपुट ऐसा और बना लेता हूँ। जी दोस्त, हाँ मल्टीपल इनपुट्स का पूछना चाह रहे थे दोस्त हमारे। अच्छा तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक इनपुट बॉक्स और बना लेता हूँ इसी तरह का, और हम क्या करेंगे, दो इनपुट जो हमें मिले हैं उन दोनों को प्लस करके ना फिर वापस डिस्प्ले भी करवा देंगे, सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा एक और बना देते हैं आके यहाँ पे, मैंने कहा एक और बना दो। अच्छा इन दोनों को मुझे आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पेज में ना एक टेक्स्ट इनपुट नहीं है, अब दो है मेरे पास, अब तो दो मुझे पता कैसे चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी दोनों को अलग अलग, ताकि मैं अलग अलग उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ पूरे डॉक्यूमेंट में। तो मैंने पहले वाले को आईडी दी के इनपुट नंबर 1, और मैं दूसरे वाले को आईडी दे देता हूँ इनपुट नंबर 2, ठीक है, ये फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट भी कह सकता हूँ मैं। अच्छा अब मुझे जो दोनों नंबर उठाने हैं अलग अलग, तो मैं उसको कैसे उठाऊंगा, क्वेरी सेलेक्टर में इनपुट को हटा के हैश लगाऊंगा, और हैश लगा के जो भी मेरे आईडी का नाम था वो लगा दूंगा इनपुट नंबर 2, सही है, इनपुट नंबर 1 हो गया ये। वेरिएबल का नाम भी मैंने क्या कर दिया, यही कर दिया इनपुट नंबर 1। अच्छा इनपुट नंबर 2, इनपुट नंबर 2। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल में दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अब दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोनों को प्रिंट करवाते हैं कि आया कि दोनों नंबर मुझे सही तरह से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सही है, सही तरह से अगर मिल रहे होंगे तो फिर उनको प्लस भी करवा लेंगे हम। रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा 22 और 33 सबमिट, मुझे दोनों नंबर मिल गए जिस तरह मुझे चाहिए था, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा ये कोड आपके मैं गिटहब में भी पुश कर दूंगा, जहाँ पे आपका क्लास का कोड होता है, तो आप अगर भूल भी जाए कोड तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, कौन बताएगा कि कैसे करूँगा मैं प्लस इसको, सही है, मुश्किल तो नहीं है, एक वेरिएबल है उसके अंदर इन दोनों को प्लस करके मैं रखवा देता हूँ। ये लाइन हम कल की क्लास में सीख चुके हैं, जो हमारी लास्ट वाली जो क्लास थी, कि भाई दो वेरिएबल को हम प्लस करवा सकते हैं। अच्छा अब इन दोनों को प्लस करवाने के बाद मैं इस रिज़ल्ट को भी ज़रा कंसोल करवाता हूँ कि आया कि ये रिज़ल्ट वाकई वही बन रहा है जो मैं चाहता था या कुछ और बन रहा है। अच्छा रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा 12 और 56। अब कौन मुझे बताएगा कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा। अच्छा चलो नंबर आसान कर देता हूँ, ये लो, कितने लोगों का ख्याल है 18, कितने लोग कह रहे हैं, क्यों भाई 126 क्यों, आप बताएं।
इनपुट में जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है। बहुत गुड यार, ज़बरदस्त। अच्छा, जो इनपुट बॉक्स में से हमें वैल्यू मिलती है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे बंदा नंबर ही लिखे, यहाँ पे तो ए बी सी भी लिख सकता है ना कोई बंदा, तो इनपुट की वैल्यू मेरे पास हमेशा क्या आती है, स्ट्रिंग में आती है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो ये 126 हो गया, क्योंकि दो स्ट्रिंग को जब भी प्लस करो तो क्या होता है, कॉनकैडिनेट हो जाता है आपस में। बावजूद इसके कि ये नंबर है, लेकिन इसकी टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा नंबर में। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं जो ये ए बी सी डी लिख पा रहा हूँ, इसको अगर मैं रोक दूँ एच टी एम एल से जाके, इसके मैं टाइप नंबर, ये टेक्स्ट था ना, इसको मैं टाइप कर देता हूँ नंबर। अच्छा, अब बताओ 12 + 6 अब क्या आना चाहिए, अभी भी ये स्ट्रिंग ही देगा बावजूद इसके कि मैंने इसको नंबर कर दिया है, लेकिन स्ट्रिंग दे रही है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म से जब भी वैल्यू इनपुट आती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है, चाहे फॉर्म पे टाइप कुछ भी लगी हुई। हाँ, इससे ये ज़रूर होगा कि मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पाऊँगा, ए बी सी डी नहीं टाइप कर सकता मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये ई का भी मतलब है वो जो एक्सपोनेंट वाला ई होता है, ठीक है। मैं ई लिख के अगर कोई नंबर लिख दूँ तो एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ असल में नंबर, और कोई भी अल्फ़ाबेट मैं इस पर कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकता। वेल, जब मुझे ये जावास्क्रिप्ट में रिसीव होगा तो वहाँ पे स्टिल ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, एक टेक्स्ट फॉर्म में ये होगा, नंबर फॉर्म में नहीं होगा ये। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा है ना, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। अगेन, इस एक्सप्रेशन में प्रिसिडेंस ज़्यादा किसकी है, इस वाले की है, ठीक है, प्लस वाले की बाद में। तो पहले ये क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या रिटर्न होगा, मिसाल के तौर पे मैंने वहाँ पे 6 लिखा था, तो यहाँ पे न्यूमेरिक 6 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक 12 प्रिंट हो जाएगा, और फिर वो दोनों प्लस होकर रिजल्ट में चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, 12 और 7, 19 प्रिंट हो गया। अच्छा, आप नोट करें 12 थोड़ा अलग रंग में प्रिंट हो रहा है और 19 अलग कलर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप फ़र्क है, तो गूगल क्रोम भी उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से दिखा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राउज़र में इसका कलर अलग हो, लेकिन गूगल क्रोम में अभी ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो ये करके दे रहा है। तो हर हो सकता है कोई दूसरा ब्राउज़र इसका कलर चेंज ना करे, ठीक है। अच्छा, ये हमने इनपुट लेके इसको प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन प्रोसेसिंग अभी हमने थोड़ी सी की है, प्लस किया है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉन्सोल डॉट लॉग करके जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसकी जगह मुझे इसको एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है, मेरी बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो मेरी बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट पहले से मौजूद होना चाहिए, जिस एलिमेंट में इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो मैंने एक H1 यहाँ पे बना लिया। अच्छा, इस H1 को, क्योंकि मेरे पेज में H1 एक ही है, तो मुझे इसको ID देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक रहे, बाद में और भी H1 आएंगे ऑफकोर्स। तो मैं एहतियातन इसको क्या करता हूँ, ID दे देता हूँ एक। ठीक है, सम रिज़ल्ट, ये मैंने इसको ID दे दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा लेट सम रिज़ल्ट इक्वल टू क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने ID के ज़रिए इसको गेट किया है। अगर मैं ये हैश नहीं लगाऊंगा ना, तो वो एलिमेंट के नाम से ढूंढेगा उसको, ठीक है। और अगर दो मिलेंगे तो दो लेकर आएगा, एरे लेकर आएगा दो, ठीक है। तो वो मुझे फिर प्रॉब्लम होगी, अच्छा मेरा वाला कौन सा, तो ये हैश लगा के ID से ढूंढेगा। क्लास के थ्रू भी हो सकता है ये, लेकिन क्लास में भी फिर अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट पे होगा तो दो लेकर आएगा। तो आमतौर पर किसी से भी कर सकते हैं जो आपके लिए नेसेसरी हो, अभी हम इसको ID से कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, वो H1 का पूरा एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, H1 का पूरा एलिमेंट मुझे ये सम रिजल्ट करके मिल गया, ठीक है, सम रिजल्ट एलिमेंट, ठीक है, सम रिजल्ट एलिमेंट मैंने इसका नाम रख दिया। अब इस एलिमेंट को ना मैं
इस एलिमेंट पे डॉट लगा के मैं उस एच वन की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे उस एलिमेंट के इनर एच टी एम एल में क्या लिखा हुआ है, ये मैं ऐसे करूँगा तो ये गेट हो जाएगा। अच्छा, और इनर एच टी एम एल के अंदर ही अगर मैं कोई बात लिख दूँ, जैसे कि मैंने कहा कि इनर एच टी एम एल, तो ये इसको मैं कहाँ सेव करवा रहा हूँ, इनर एच टी एम एल के अंदर इसको मैं सेव करवा रहा हूँ इस बात को, तो ये इनर एच टी एम एल में सेव हो जाएगा, मुझे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनर एच टी एम एल के अलावा एक इनर टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, इनर टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं। वेल, अभी सजेशन में नहीं आ रहा, लेकिन इनर टेक्स्ट होता है इसके अंदर। इनर टेक्स्ट में क्या होता है, उसमें भी आप डेटा दे सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप इनर टेक्स्ट में कोई अगर एच टी एम एल का टैग देंगे ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इनर एच टी एम एल में अगर आप मजीद एच टी एम एल दें, बटन शटन कुछ भी बना के देना, वो उसको एच टी एम एल के तौर पर डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में शायद इनर टेक्स्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम एच टी एम एल तो नहीं दे रहे, हम तो जस्ट एक नंबर दे रहे हैं उसको। तो मैंने कहा रिजल्ट, ठीक है, और जाके उसको मैंने रिफ्रेश किया और मैंने कहा 13+5 सबमिट, तो ये 18 मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। आसान था, मुश्किल तो नहीं था, किसी भी एलिमेंट के अंदर अब मैं इसको डिस्प्ले करा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं एच वन हो, पैराग्राफ हो। अब इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ पूछें। अच्छा, ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। आसान सा एक तरीका है, जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ गिटहब में, इस कोड को देख के अपने हाथ से लिखना है, ठीक है, अभी लिखना है। आपके पास 15 मिनट का टाइम है, 10:28 हो रहे हैं, तो 10:45 पे ये असाइनमेंट आपका देखता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से शुरू हो जाए, मैं कोड पुश कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, गिटहब में भी पुश कर दिया, मेरी स्क्रीन भी यहाँ पे दिख रही है आपको, तो मेरी स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं ये कोड।